हेलो गाइस मैं एहसान हुसैन आप देख रहे हैं मेडसन मेटकोस आज मैं बात करने जा रहा हूं रेमडेसिविर इंजेक्शन के बारे में यह इंजेक्शन क्या है इसकी डिमांड इतनी ज़्यादा क्यों हो रही है जिसकी शॉर्टेज हो गई है और ये हर जगह अवेलेबल नहीं हो पा रहा है जिसके प्राइस अचानक से बढ़ते जा रहे हैं और इसको ब्लैक भी किया जा रहा है रेमडेसिविर इंजेक्शन किस बीमारी में दिया जाता है और कोरोना के पेशेंट्स को रेमडेसिविर इंजेक्शन क्यों दिया जा रहा है तो ये सब जानेंगे अपने इस वीडियो में रेमडेसिविर इंजेक्शन क्या होता है इसके क्या यूज़ेज होते हैं इसके क्या डोजेज होते हैं इसके क्या साइड इफेक्ट होते हैं और इसको लेने से पहले आपको क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए ये सब मैं बताऊंगा अपने इस वीडियो में तो मेरे वीडियो को लास्ट तक देखें तो सबसे पहले जान लेते हैं रेमडेसिविर इंजेक्शन होता क्या है ये एक एंटी ड्रग है यानी कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी मेडिसिन है इसको सबसे पहले 2009 में ग्लाइड साइंस के द्वारा डेवलप किया गया था यानी कि बनाया गया था ये एक यूएसए की कंपनी है इंडिया में इसका मैन्युफैक्चर हेट्रोसिप्ला के द्वारा किया जा रहा है तो दोस्तों अब जान लेते हैं कोविड के पेशेंट्स को रेमडेसिविर इंजेक्शन क्यों दिया जा रहा है कोविड के पेशेंट्स पे इसका क्या रिस्पॉन्स है और सबसे ज़्यादा इसकी डिमांड अचानक से क्यों बढ़ गई है कोरोना एक वायरल इन्फेक्शन है और रेमडेसिविर ये एंटी वायरल मेडिसिन है इसीलिए कोरोना के पेशेंट्स को रेमडेसिविर इंजेक्शन दिया जा रहा है लेकिन इसका हंड्रेड परसेंट रिजल्ट नहीं है ये कोरोना के इन्फेक्शन को रोक देता है ब्लॉक कर देता है इन्फेक्शन आगे नहीं बढ़ने देता है लेकिन 100 परसेंट रिजल्ट इसका नहीं आता है पेशेंट को कुछ राहत तो मिल जाती है लेकिन वो हंड्रेड परसेंट क्योर नहीं हो पाते हैं कोविड को रोकने के लिए वैक्सीनेशन किया जाना चाहिए कोविड का इलाज सिर्फ वैक्सीन ही है तो बात करते हैं रेमडेसिविर इंजेक्शन के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में ये वर्क कैसे करता है आर एक एंजाइम होता है जिसे आर पॉलीमरेज कहते हैं आर हेल्प करता है वायरसेस की कॉपी बनाने में वायरसेस की ग्रोथ कराने में जब इन्फेक्टेड पर्सन को रेमडेसिविर इंजेक्शन दिया जाता है तो ये इसी आरएनए को इनिविट करता है यानी कि रोक देता है वायरस की ग्रोथ नहीं हो पाती है फिर धीरे धीरे हमारी इम्यूनिटी वायरस को ख़त्म कर देती है जिससे कि कोरोना का इन्फेक्शन रुक जाता है वायरस की ग्रोथ रुक जाती है और पेशेंट की इम्यूनिटी बढ़ने लगती है और वो वायरस को धीरे धीरे खत्म कर देता है और पेशेंट ठीक हो जाता है तो अब बात करते हैं रेमडेसिविर इंजेक्शन के डोजेस के बारे में इसके क्या डोजेस होते हैं इस इंजेक्शन का इस्तेमाल 12 साल से ऊपर के पेशेंट्स में ही करना चाहिए एडल्ट्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है जिनका वेट 40 के हो या फिर इससे ज़्यादा हो रेमडेसिविर इंजेक्शन का डोज डिपेंड करता है पेशेंट की एज उसका जेंडर और इसकी कंडीशन पे। अगर बात करें कोरोना की तो रेमडेसिविर इंजेक्शन को आईवी दिया जाता है यानी कि वेंस में दिया जाता है इसको आइएम नहीं दिया जा रहा है कोविड पेशेंट्स को 200 हंड्रेड एम देते हैं स्टार्टिंग में फिर उसके अगले दिन 100 एम जी देते हैं फिर धीरे धीरे इसका डोज कम करते हैं पाँच से छः दिन तक इस इंजेक्शन को दिया जाता है हर चार घंटे पर एक दिन में इस इंजेक्शन को डिवाइडेज डोज में देते हैं इस इंजेक्शन का इस्तेमाल सिर्फ हॉस्पिटल्स में किया जाना चाहिए इसको अपने आप या फिर घर में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए इसको फुल मेडिकल गाइडेंस में ही इस्तेमाल करना चाहिए रेमडेसिविर इंजेक्शन पेशेंट को देने से पहले कुछ इन्वेस्टिगेशन भी करा लेने चाहिए जैसे कि एलएफटी, केएफटी, इनके अलावा और भी टेस्ट करा सकते हैं तो बात करते हैं रेमडेसिविर इंजेक्शन को पेशेंट को देने से पहले क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए अगर किसी पेशेंट को लीवर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तब इस इंजेक्शन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए अगर किसी पेशेंट को किडनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तब भी इस इंजेक्शन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स को भी इस इंजेक्शन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए यानी कि जो महिलाएं बच्चों को स्तनपान कराती हैं दूध पिलाती हैं उनको भी इस इंजेक्शन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए प्रेगनेंसी में इसको नहीं देना चाहिए अगर आप प्रेगनेंसी में इस इंजेक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं तब अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कर लें तो बात करते हैं रेमडेसिविर इंजेक्शन के साइड इफ़ेक्ट के बारे में इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं अगर किसी पेशेंट को रेमडेसिविर इंजेक्शन ओवर डोज दिया जा रहा है तो उसको एनीमिया की कंडीशन हो सकती है यानी कि उसको खून की कमी हो सकती है बॉडी में जो ब्लड सेल्स होती हैं वो बहुत ही तेजी से कम होने लगती हैं पेशेंट को फीवर आ सकता है उसको तेज़ बुखार आने लगेगा पेशेंट को हाइपोटेंशन भी हो सकता है यानी कि पेशेंट का बीपी लो हो सकता है पेशेंट को चक्कर आ सकते हैं सुस्ती लग सकती है वीकनेस हो सकती है नोज़िया एंड वोमिटिंग भी हो सकती है यानी कि पेशेंट को मितली और उल्टियाँ भी हो सकती हैं रेमडेसिविर इंजेक्शन को यूज़ करने से पहले अपने डॉक्टर से अच्छी तरह से कंसल्ट जरूर कर लेना चाहिए क्योंकि इसके ओवरडोज और गलत तरीके से इसका इस्तेमाल घातक हो सकता है तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा रेमडेसिविर इंजेक्शन क्या होता है इसके क्या यूज़ेज होते हैं इसके क्या डोजेज़ होते हैं इसके क्या साइड इफेक्ट होते हैं और इसको लेने से पहले आपको क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो मेरे वीडियो को लाइक करें अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे कि ऐसे वीडियोज़ आपको हमेशा मिलते रहें